फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन हीलिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सो आज की रीडिंग में हम जानेंगे सेजिटेरियस साइन वालों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए 2021 कैसा जाने वाला है। इस रीडिंग में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे गाइस, करियर रीडिंग, लव लाइफ, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी और ओरेकल से आपके एंजल के मैसेजेस गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम करियर के बारे में जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे करियर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जो लोग एम्प्लॉयड हैं धनु सेजिटेरियस साइन, वन मोर टाइम। ओके, जस्टिस। सो जस्टिस से गाइड्स मुझे यही लग रहा है यहाँ पर कि ओवरऑल बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो वर्किंग लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस करते हुए आप चलने वाले हैं गाइड्स। जितना ध्यान आप अपने काम पर देंगे उतना ही ध्यान आप अपने ऊपर भी देंगे, अपनी पर्सनल लाइफ पर भी देंगे, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। एक इंडिकेशन और आ रहा है गाइस मुझे यहाँ पर कि अगर सेजिटेरियस धनु राशि वाले जो लोग हैं उनका कोई अगर लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी न्याय आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। आप लोग हिम्मत ना हारें, जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ आपकी लाइफ में जो लोग एम्प्लॉयड हैं। तो चलिए देख लेते हैं अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं धनु राशि के उनके लिए क्या गाइडेंस है। वन सेकेंड गाइस, नए साल में उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। वन मोर टाइम। ओके, द डेविल। ओके, सो गाइस द डेविल से मुझे अभी थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी बट थोड़ा टाइम लगेगा। जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू भी दिया है तो उसमें भी मुझे रिस्पॉन्स कम मिलता दिखाई दे रहा है। जॉब आपको अभी ऑफर भी आ रहे हैं जॉब के लिए तो मुझे लग रहा है आपके टाउन से बाहर के ही ऑफर आ रहे होंगे आपको। कुछ बंधन भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, आप बाहर जाकर अपने टाउन से जॉब करना चाहते हैं बट आपकी फैमिली आपको नहीं जाने देना चाहती, फैमिली आपको दूर नहीं जाने देना चाहती कहीं। डिले तो है गाइस यहाँ पर बट आपको हिम्मत नहीं आनी है, अपनी बुद्धि से विवेक से आपको काम लेना है, समझदारी के साथ काम लेना है गाइस, हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है 2021। वन मोर टाइम। ओके, नाइन ऑफ वेंड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स मेहनत करनी है आपको इस साल भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेहनत करनी है आपको, गिव अप नहीं करना है, थोड़ी और मेहनत कीजिए, आपकी विश जो भी है वो ज़रूर पूरी होगी, बस थोड़ा इंतज़ार और है। आई नो कि
आप लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं कुछ रिजल्ट्स मिलने का, बट रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं आपको मिल रहे हैं, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं अभी तक। बट थोड़ा सा और ट्राई कीजिए, ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। थोड़ी सी मेहनत और, बस एक कदम पीछे हैं आप, उस एक कदम तक पहुंचिए। एक कदम पीछे मुझे नज़र आ रहे हैं आप। सो स्टूडेंट्स के लिए मेहनत भरा रह सकता है ये साल पढ़ाई में, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए मनी को लेकर कैसा रहने वाला है ये साल। वन मोर टाइम गाइस, वन मोर टाइम। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सो गाइस, न्यू आइडियाज, न्यू प्लान्स आपके माइंड में आएंगे अपनी मनी को एक्सपांड करने के लिए। बट एक गाइडेंस मैं ज़रूर दूंगी यहाँ पर आप लोगों को कि कोई भी अगर आपसे कहता है इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है जिससे बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। इमोशनल कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है गाइस। ओके, मनी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लॉजिकली भी सोचना है, हर तरीके से सोचना है। ओके, कोई इमोशनल डिसीज़न नहीं लेना है आप लोगों को। बाकी सब मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बस कोई अगर इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वहाँ पर मुझे थोड़ा रिस्क दिखाई दे रहा है, तो रिस्क आपको लेना पड़ सकता है अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो। ओके, सो ये थी हमारी करियर रीडिंग। अब हम जानेंगे लव रिलेशन के बारे में। ये कार्ड्स नहीं लूँगी गाइस मैं अभी। अब हम देखते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले हम सिंगल्स के लिए कार्ड देखेंगे गाइस। धनु राशि सिंगल्स, कैसा रहने वाला है ये साल 2021 सिंगल्स के लिए। वन मोर टाइम। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो सिंगल्स बहुत कुछ होल्ड ऑन करके रखा है अपने अपने माइंड में, बहुत सारी बातें, बहुत सारा दर्द, सब कुछ छुपा के रखा है अपने दिल में, और यही सब चीजें आपको मूव ऑन करने से रोक रही है, आगे रिलेशनशिप में किसी के साथ बढ़ने से रोक रही है। कुछ बातें ऐसी हुई है पास्ट में जो बहुत दर्द दे गई है आपको गाइस, बहुत ज़्यादा। सब कुछ अपने माइंड में आपने एक तरह से कैद कर लिया है। अब आप न्यू रिलेशनशिप में आने से भी थोड़ा घबरा रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं, बट ये फियर्स जब तक आप नहीं निकालते तब तक कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता गाइस। आपको मूव ऑन करना होगा इस फीलिंग से, इस फियर से, इस डर से आपको आगे बढ़ना होगा, तभी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये जो होल्ड आपने कर रखा है दिमाग में बहुत सारा कुछ, इसे निकालना होगा आपको। मूव ऑन कीजिए गाइस, मूव ऑन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए क्या गाइडेंस है 2021 के लिए। वन सेकेंड गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइस, वेरी नाइस। सो जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं बहुत ही अच्छा रहने वाला है उन लोगों के लिए ये साल, बहुत एक्साइटेड रहने वाले हैं आप लोग अपने प्यार को लेकर,
बहुत लविंग केयरिंग होने वाले हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, बहुत केयर मिलने वाली है आपके पार्टनर से आपको, बहुत उमंग नज़र आ रही है मुझे आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर। और जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्ड है उन लोगों के लिए। प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आप लोगों को मिल सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों के लिए साल। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है धनु राशि वालों की इस साल में। वन मोर टाइम, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम में ध्यान ज्यादा रहेगा गाइस आप लोगों का, अपनी हेल्थ पे कम ध्यान देने वाले हैं आप लोग, अपने ऊपर भी ध्यान देना है गाइस आप लोगों को, काम के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। फिजिकल फिट रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम करना ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है, उतना ही फिजिकल फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, ये आप सब भी जानते हैं। सो गाइस, मैं यही कहूँगी कि अपने काम के साथ साथ अपने ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी सब कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, बस आप लोगों को अपने आप पे भी ध्यान देना है, ओके। चलिए देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड कैसा रहने वाला है ये साल आप लोगों का। वन मोर टाइम, ओके। द सन, वाओ, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। सो एक उमंग, एक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों में, एनलाइटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, ज्ञान की प्राप्ति। जो रास्ते अभी तक आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर, वो रास्ते अब आपको नज़र आने लगेंगे। आपके सद्गुरु से भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस साल में, वेरी नाइस। आपके अंदर एक उत्साह, एक उमंग मुझे नज़र आ रही है गाइस, एक पवित्रता आपके अंदर मुझे आती हुई नज़र आ रही है, एक उमंग, एक पवित्रता, रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। अध्यात्म की यात्रा में अभी तक जो भी रुकावटें आ रही थी वो सारी रुकावटें मुझे खुलती हुई नज़र आ रही है, रास्ते खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके सद्गुरु आपसे मिल सकते हैं, आपके गुरु आपको मिल सकते हैं गाइस। जो भी लोग अध्यात्म में हैं, एनलाइटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी इतना सब कुछ ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे करते रहिए, उजाला आपको मिलेगा, नई रोशनी आपको दिखाई देगी, नए रास्ते आपको मिलेंगे गाइस। डेफिनेटली आप अपने सद्गुरु से तो ज़रूर मिल सकते हैं इस साल में, एक नई उमंग आप लोगों की तरफ खींचती चली आएगी। और जो लोग एनलाइटमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे थे वो अपने आप उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जो लोग धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते उनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी जागृत होगी, अध्यात्म जागृत होगा। बहुत सुंदर,
वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। तो चलिए देख लेते हैं आपके एंजल का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस पूरे साल में। ओके, एप्रिसिएशन, वाओ बहुत सुंदर, बहुत अप्रिशिएटेड रहने वाले हैं, बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हैं इस साल में गाइस आप लोग, हर चीज से रिलेटेड, काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अर्निंग को लेकर, हर चीज से बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड रहने वाले हैं, बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हैं, और हर तरह से आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा गाइस, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए, खुश हो जाइए। इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं पूरे साल में, मतलब कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ भी रुकावटें आएंगी पर आप रुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इस एप्रिसिएशन के साथ। ओवरऑल आप में ये एनर्जी रहेगी कि मुझे करना है, आगे बढ़ना है, बहुत सुंदर, आई एम सो हैप्पी सेजिटेरियस, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं आपके एंजल का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। One more time. Okay. Peaceful resolution. Wow, very nice. So guys, अभी तक जो काम नहीं आपको बनते नजर आ रहे थे वो काम आपके बनने वाले हैं, खुश हो जाइए। मैंने फर्स्टली कहा था कि अगर कुछ लोगों का लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा, तो ये एंजल उसकी तरफ भी इंडिकेशन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस साल में। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। सारी विशेस जो भी आपने सोच रखी अपने करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, सब कुछ पूरा होने वाला है, सारी विशेस आपकी पूरी होगी गाइस, बहुत अच्छा कार्ड है। जिन बातों के सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी आपको समझ आएगा, आपके एंजल आपकी हेल्प करेंगे, आपके एंजल आपके साथ है, आपके ईश्वर आपके साथ है, खुश हो जाइए, बहुत सुंदर कार्ड है गाइस ये। ओवरऑल पूरे साल में एक शांति महसूस करेंगे आप हर चीज़ को लेकर, बहुत सुंदर। So congratulations Sagittarius, I'm so happy for you. So guys, ये थी आप लोगों की रीडिंग, I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।